सचिव का कहना है कि मुझे बेलपत्र बहुत प्रिय है। तो जानिए कि आखिर भगवान को बेलपत्र प्रिय है यह सबको कैसे पता चला। तो एक कहानी है इस पर। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति कर रहे थे और उन्होंने करते हुए पूछा कि प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार हैं और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं, फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तो शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय है, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिलपत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बिलपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी उत्कृष्ट इच्छा हो रही है कि आपको बिलपत्र पर इतने प्रिय क्यों है? आपको बिलपत्र के अलावा और क्यों सुझा पूछ? कृपया करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। शिव जी बोले, हे शिवे, बेल के पत्ते मेरे जटा के समान है। उसका त्रिपत्र यानी तीन पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बेल पत्र के वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर वृक्ष के रूप में जन्म लिया था। यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल पड़ गई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बेल के वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप यह कथा मुझे विस्तार से कहें। तब भोलेनाथ ने पार्वती जी को कथा सुनानी शुरू की और उन्होंने कहा, हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। फलतः मेरे अनुग्रह से वाग देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई और मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति हुई वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं भाई। अतः लक्ष्मी देवी चिंतित और रुष्ट होकर परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा उधर्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्र पुष्प द्वारा निरंतर मेरी पूजन करने लगी। इस तरह उन्होंने कोटि वर्ष यानी 1 करोड़ वर्ष तक आराधना की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैं महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि कि हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है, वाग देवी के प्रति तो उनकी श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। बिल्लव इस कारण मुझे बहुत प्रिय है और मैं बिल्लव वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्लव वृक्ष को सदा सर्व तीर्थमय एवं सर्व देवमय मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बिल्लव पत्र, बिल्लव फूल, बिल्लव वृक्ष अथवा बिल्लव काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा